आज तो बेर का बर्थडे है और मैं भूल गई। और गिफ्ट, अभी उसके लिए गिफ्ट कहाँ मिलेगा? मेरा बर्थडे भी बहुत जल्द आने वाला है, प्लीज उसे मत भूलना। और मेरे लिए गिफ्ट्स लेना नहीं भूलोगे ना? अगर भूल भी गए तो कोई बात नहीं, मैं याद दिला दूंगी। बेर, तुम मेरे बर्थडे से पहले उठ तो जाओगे ना? ओह, तुम उठ गए। चलो, अच्छा है तुम मेरा बर्थडे भूले नहीं हो। और ये रही गिफ्ट्स की लिस्ट। ये वो सारी गिफ्ट्स हैं जो तुम मुझे देना चाहते हो। तो याद रखना, तुम्हें भूलना नहीं है। पल बीते धीरे धीरे, लगता बर्थडे अब तू। बच्चे वेट करे धीरे, दिन गुजरे, चलना रे कैंडल्स केक पर। बीते जल्दी सारे दिन, गाना बर्थडे की ट्यून। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू मी। ऐसे दिन होते हैं खास, ये बेहतर है आखिर। हमें मिल जाए खुशियों की आस, सब नाचे गाए फिर। बुलाएंगे ढेर सारे प्रेजेंट्स और होगा सेलिब्रेशन। कोई भूला नहीं ना, तुम सबको याद है ना? अरे कल के दिन है मेरा बर्थडे। आ गया मेरा बर्थडे, मुझे मिलेंगे ढेर सारे तोहफे। सब कहाँ गए? वो मेरा बर्थडे कैसे भूल सकते हैं? वो जरूर बेर के घर पर होंगे मेरे इंतजार में। और लो, मैं आ गई। वो सच में तो बर्थडे नहीं भूल गए। हे दोस्तों, तुम्हें तो मेरा बर्थडे याद है ना? वो सब इतना खास दिन कैसे भूल सकते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, यहाँ तो किसी को भी याद नहीं है। नहीं चाहिए ऐसा बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू मी। चलो मिलकर अब बनाए सबको हम अपना दोस्त। वो लेकर खुशियाँ आए, हम हो जाए फिर मस्त। गाए नाचे चिल्लाए,
हर पल वो हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सबको याद था। हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्तों, हम सारे हैं फैमिली। फिर से। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्तों, हम सारे हैं फैमिली। हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्तों, हम सारे हैं फैमिली। Thank you.
मैंने सब कुछ बना लिया है। ये लो। अब ये चखो। Hmm?
चाहिए।
और एक राजा को सफाई करना सूट नहीं करता। आप मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? आप ये क्या करने जा रहे हैं? क्या आपको लगता है एक राजा को मछली पकड़ने जैसा काम करना सूट करता है? मैं छुट्टी पर हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। मेरी गैर हाजिरी में मैं अपना ताज कुछ वक्त के लिए रानी मैरियाना को सौंप रहा हूँ। क्या आपका मतलब मुझसे है? क्या मैं रानी हूँ? अब मुझे जाकर एक रानी के काम पूरे करने चाहिए। जी ने मुझे अपनी नई फेवरेट रानी बना दिया है। एक रानी को अपने पैरों पर चलना सूट नहीं करता। मुझे एक शाही सवारी चाहिए, एक शाही सवारी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारा? के लिए तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। मुझे महल ले चलो। एक रानी को इतने छोटे घर में रहना सूट नहीं करता। चलो आ जाओ, सब मेरे लिए एक महल बनाओ। ओके, अब तुम एक रानी को सूट करने वाली दावत तैयार करो और तुम मेरे लिए बनाओ बगीचे, मूर्तियाँ और फव्वारे। इस महल की हर एक चीज को शाही होना होगा। वाह, ये तो कमाल का है। एक शाही गद्दा। वैसे मेरी प्रजा ने तो काफी अच्छा काम किया है। इसे कहते हैं शाही सवारी। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा है। ये है असली आर्ट। जो रानी के लिए अच्छा हो वही प्रजा के लिए अच्छा होता है। मेरी जैसी रानी और कोई नहीं। सच में मेरा कोई जवाब नहीं। अब शाही दावत पेश की जाए। में खड़े रहना सूट नहीं करता।
मुझे कुछ हो गया था। शायद मेरे लिए ये कोना ही सही जगह है। मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों? मुझे कोने में खड़े होकर ये समझ आ गया कि एक राजा की खुशी उसकी प्रजा की खुशी में छिपी होती है। मुझे भी तुम्हारे साथ मजे करने हैं। वुहू! अब हम करेंगे पार्टी। इसका मतलब ये है प्यारे बनी कि सबको पहननी होगी एक कॉस्ट्यूम। ओह, अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई अच्छी कॉस्ट्यूम नहीं है। एक कॉस्ट्यूम, मुझे एक कॉस्ट्यूम की जरूरत है। मैं क्या बनूं? मैं पार्टी में क्या बनकर जाऊं? कोई चमत्कार ही मुझे बचा सकता है। जादू, मुझे जादू का इस्तेमाल करना होगा। Thank you.
पर देखो तो कद्दू की कितनी अच्छी फसल हुई है। उप्स। नहीं, चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। छुप गए है। चलो जांच शुरू करते हैं। एक दो तीन और चार पाँच छः ढूंढो जो कार्टून अच्छे। माइक्रोफोन में तुम कहो माशा एंड द बेयर मिले। चलो समझ गए नन्हे गुरु, अब अभी हो जाओ शुरू।